जो एरे होती है उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक्चुअली उसका नाम ही होता है। दे विल बी लुकिंग एट सम मोर स्टेटमेंट्स इन सी, और उसमें जो सबसे पहली है वो है आपकी, ये मैंने हाईलाइट की हुई है, इनको हम आज देखेंगे। इफ एल्स इन सी, राइट। सो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इफ देर इज वेरिएबल पी whose value is, and you have defined the variable, आपने यहाँ पे इसको define किया int p equal to 10 let's say, और आप कहते हैं if p is greater than 10 or maybe 5, आप इसको जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे वो execute होंगी, right? So for example मैं लिखता हूँ print f the value of p is, यहाँ पे आ जाएगा p, right? So इसी तरह इसको आप लोग रन करके देख सकते हैं साथ, राइट। तो अब होगा क्या कि जब भी आप ये रन करेंगे तो ये ब्लॉक डेफिनेटली रन होगा, और इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस रन होंगी बिकॉज दिस इज ट्रू। सो इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम 10 टू लेट्स से 3, तो क्या होगा कि ये पूरे का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरे का पूरा स्किप हो जाएगा। और इसके अलावा इसके एक अंदर एक और चीज़ होती है एल्स इफ। और अच्छा, व्हाट इफ के मैं वैल्यू पिक करना चाहता हूँ फ्रॉम द यूज़र, इंस्टेड ऑफ के मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू टाइप करूँ, तो उसके लिए फिर मुझे स्कैन एफ यूज़ करना पड़ता है। तो मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ पहले, उसको इनिशियलाइज करूँ या ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ स्कैन एफ, और स्कैन एफ इज़ द फंक्शन विच स्कैन्स और scans the value of p from the keyboard from the user, और या आप कह लें कि वो यूजर से इनपुट लेता है scanf, ठीक है। उसका फॉर्मेट ये है कि आपको दो पैरामीटर्स कम अज कम देने होते हैं, एक में आपने बताना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ये बताता है कि आपने किस तरह का वेरिएबल की वैल्यू पिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंटीजर टाइप की वैल्यू पिक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंट डी, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं करेंगे बल्कि उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्कैन एफ में आपने बेसिकली जो काम किया है यहाँ पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यूजिंग बाय ड्राइंग अ मेमोरी, एंड लेट्स सपोज आई हैव द मेमोरी विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, एक सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ बाइट्स है, ये आपका फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड, ये मेमोरी के डिफरेंट लोकेशंस हैं जो कि इस तरह से बनी हुई हैं, और हर लोकेशन का कोई एक एड्रेस है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन थी इसका एड्रेस था 125, और इसके ऊपर अभी कोई भी डेटा पड़ा हुआ है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एज सून एज यू डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड पी लाइक दिस, असेंबली लैंग्वेज में आप डॉट डेटा करके डॉट डेटा सेक्शन में करते हैं, और इसमें आप इस तरह से इंट पी या कोई भी डेटा टाइप बताते हैं, तो वो करता क्या एसेंशली कि इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लोकेशन को नाम दे देता है कि इसका नाम है जी पी, दिस इज लोकेशन पी, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बाइट है इसका नाम है पी, इसके ऊपर डेटा क्या पड़ा हुआ है दिस इज समथिंग एल्स। जब भी मैं प्रिंट एफ करके पी करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाला काम, तो वो स्क्रीन पे इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और इसी तरह से आपने सीखा हुआ है, इसी तरह से हमने किया हमेशा से। अच्छा, अब आ जाते हैं स्कैन एफ की तरफ। स्कैन एफ फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि इट रिक्वायर्स दैट आप जिस वेरिएबल के अंदर कीबोर्ड की इनपुट को सेव करवाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का एड्रेस बताएं। एड्रेस हम कैसे बताते हैं, हम उस वेरिएबल के नाम से पहले एक एम्परसेंड लिख देते हैं। एम्परसेंड ऑपरेटर को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी ये एड्रेस बताता है उस वेरिएबल का जिससे पहले आपने इसको लिखा है, ठीक है। सो एसेंशली होगा क्या, जब भी आप स्कैन एफ करेंगे तो स्कैन एफ में इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, तो 125 मिल जाएगा स्कैन एफ,
जो कि हम चाह रहे थे. अच्छा फॉर एग्जाम्पल पी की वैल्यू इधर लिखी हुई है 8. अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इधर एम्परसेंट नहीं लिखता इस तरह, अगर मैं एम्परसेंट नहीं लिखता तो आपको क्या लगता है कि पी में स्कैन एफ को पी की क्या वैल्यू मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस? नहीं नंबर्स में बताएं, उसको 8 मिलेगा क्योंकि आपने डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दिया पी, एड्रेस नहीं दिया, हमने उसकी वैल्यू पास किया. हमने जब पी लिखा ना तो इसका मतलब है कि वैल्यू पास हो जाए स्कैन एफ को, हमने डायरेक्टली पी लिख दिया. लेकिन स्कैन एफ की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने उसकी वैल्यू नहीं बतानी, आपने उस लोकेशन का एड्रेस इसको देना. एड्रेस हम कैसे पास करते हैं, हम लोग एक एम्परसेंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उससे क्या होगा कि अब स्कैन एफ को क्या वैल्यू मिल रही होगी 125, और हम उसको 125 देना चाहते थे. फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रिंट एफ लिखते हैं ना, अगर मैंने प्रिंट एफ लिखा तो प्रिंट एफ कहता है कि यार मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, अगर मैं ये लिखूंगा तो पी की जगह पे 8 आ जाएगा जो कि प्रिंट एफ को चाहिए. प्रिंट एफ फंक्शन की डिजाइनिंग इस तरह हुई है कि उसको वैल्यू चाहिए. स्कैन एफ फंक्शन की डिजाइनिंग ऐसे हुई हुई है, उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि उसको पी की वैल्यू नहीं चाहिए, उसकी एड्रेस चाहिए. जो आप अपने कंप्यूटर पे ट्राई कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन है मैं उनको बता दूं, अगर आपकी उबंटू अभी तक नहीं इंस्टॉल हो सकी है घरों पे, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग डेव सी प्लस प्लस या डेव सी इंस्टॉल कर लें विंडोज के ऊपर. यू कैन इंस्टॉल डेव सी सी प्लस प्लस ऑन विंडोज, राइट? और उससे क्या होगा कि आप उस पर फर्स्ट मतलब 3 कर लेते हैं क्योंकि शायद ये, तो इसके बाद जो आएगा ना उस पर आपको, उसके लिए आपको उबंटू पे ही करना पड़ेगा. हम प्रोग्राम लिख लेते हैं num include, और ये इसको हम कहते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको कहते हैं हेडर फाइल. हेडर फाइल एक लाइब्रेरी फाइल की तरह होती है जो कि आप पाइथन में भी इंक्लूड करते हैं, इसमें भी आप इंक्लूड करते हैं. उसके अलावा फिर आप क्या कर, ये जो स्कैन एफ वगैरह है ना ये आपके उसमें पड़े होते हैं. यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट मेन, और जब भी आप कोई ओपनिंग ब्रैकेट करें ना तो फौरन उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी साथ ही लगा लें, दैट्स अ गुड हैबिट ताकि आपको ये इसमें गलती के चांसेस ना हो. इंडेंटेशन सी लैंग्वेज में नहीं होती, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ. आप उसको यहाँ लिखें वहाँ लिखें कोई इशू नहीं है. सेमीकोलन इज इम्पॉर्टेंट, सेमीकोलन सेपरेट्स टू स्टेटमेंट्स और टू कमांड्स और टू लाइंस ऑफ कोड. उसके बाद आ जाता है आपका कि आपने इस प्रोग्राम में यूजर को ये प्रॉम्प्ट नहीं जा रहा कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो वो हम ऐसे करेंगे. इससे क्या होगा कि यूजर को एक प्रॉम्प्ट चला जाएगा और इस प्रॉम्प्ट का कोई ताल्लुक नहीं है इनपुट के साथ, ये सिंपली एक प्रॉम्प्ट है, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है क्योंकि हमें पता है कि हमने इससे अगली लाइन में स्कैन एफ करवाना है. और डेफिनेटली जब आप स्कैन एफ होगा उसके बाद तो यूजर को उसका नजर आ जाएगा और वो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा ही तो आगे जाएगा. इसी तरह यहाँ पे एक आप कर सकते हैं कि अगर मैं लिखूं एल्स इफ और इसमें लिख दूं, ये जो एल्स इफ होगा ये पिछले इफ के साथ बाउंड होगा. एल्स इफ पी इज लेस देन लेट्स से 20, और उसमें भी मैं इसी तरह से एक ब्लॉक डिफाइन करूंगा. बाय द वे ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. मुझे ज़्यादा इस तरह से पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा कम लाइन्स लेता है. तो और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि मैं इस कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकता हूं किस वक्त, जब मेरे पास उस ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन हो. अगर मेरे पास उस एल्स इफ के ब्लॉक में एक से ज्यादा लाइंस नहीं है, एक ही लाइन है, आई डोंट नीड टू यूज द कर्ली ब्रैकेट्स. मैं सिंपली लिख देता हूं प्रिंट एफ द नंबर इज इन बिटवीन 5 and 20 लेट्स से. बस आप ये डिस्प्ले करवा दें और फिर एक एल्स का ब्लॉक होता है, उसमें भी अगर सिंगल लाइन है तो आपको ब्लॉक पूरा उसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ द नंबर इज आइदर लेस देन 5 और ग्रेटर के. स्ट्रिंग आपने इनपुट कैसे लेना है, तो स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए आप लिखेंगे इंट माई स्ट्रिंग, या आपने फॉर एग्जाम्पल नेम यूजर से पूछना है तो आप लिखेंगे इस तरह से. ये एक एरे क्रिएट करेगा जिसको आप लिस्ट भी कहते हैं, और वो एरे बेसिकली क्या होगी कि उसके हर एलिमेंट की टाइप इंटीजर होगी
लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाना है तो आप इसकी टाइप रख दे सी एच ए आर विच स्टैंड फॉर कैरेक्टर. सो चार नेम 100, इट मीन्स कि आपने एक एरे क्रिएट की है जिसका नाम नेम है और उसमें 100 एलिमेंट्स हैं. और अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इक्वल करके इस तरह भी लिख सकते हैं. वैसे तो आप मतलब स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं ऐसे पूरे का पूरा, इससे इनिशियलाइज हो जाएगा. अगर आप ना भी करें वैसे भी छोड़ दें तो इट्स फाइन. अच्छा, उसके बाद लिखें कि प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम. तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैन एफ और फिर परसेंट एस और फिर आपका आ जाएगा कॉमा और फिर आ जाएगा नेम. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी अगेन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है कि आप कैसे पूछ सकते हैं कि जी स्कैन एफ में आपने कहा था कि नेम जो है वो बेसिकली एड्रेस होना चाहिए, इट शुड बी द एड्रेस ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू सेंड टू स्कैन एफ, राइट. तो उसके लिए आपको ये देखना है कि यार लेट्स सपोज कि ये नेम की एरे है, ऑल ऑफ दिस इज नेम जिसका स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स सपोज 203 है. मैं ये 203 पास करना चाहता हूँ स्कैन एफ को. तो यहाँ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो एरे होती है उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक्चुअली उसका नाम ही होता है. तो अगर मैं यहाँ पे दिस थिंग वॉज एम्परसेंट पी, दिस थिंग इज जस्ट नेम, और उसके ऑपोजिट चीज ये है कि अगर मैं इस डेटा की वैल्यू लेना चाह रहा हूं तो इस डेटा की वैल्यू मैं इस नाम से नहीं मुझे मिलेगी, वो मुझे इस तरह मिलेगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. मैं अगर जीरो लिख दूंगा तो मुझे पहले एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, अगर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वन लिख दूंगा तो दूसरे एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, टू लिख दूंगा तो तीसरे एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस तरह से वैल्यूज की, अगर वैल्यूज गेट करनी है उसका डेटा की वैल्यूज, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे. और अगर आपने उसका एड्रेस देखना है तो आप सिंपली उसका एरे का नाम लिखेंगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, एड्रेस, जो कि कितना है 203. तो इसलिए मैंने स्कैन एफ में सिंपली नेम लिखा है और उसके साथ एम्परसेंड नहीं लिखा. अच्छा, व्हाट इफ के मैं ये चाहता हूं कि यार ये इसका आगे इसका कोई था, फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ एलिमेंट था, ये उसका सिक्स्थ एलिमेंट था जिसपे लिखा हुआ था Z. तो मैं उस Z कैरेक्टर का एड्रेस फेच करना चाह रहा हूं, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एम्परसेंड ऑफ नेम ऑफ 5. एग्जैक्टली, यानी पहले आपने डेटा वैल्यू का रेफरेंस किया और उसके साथ एक एम्परसेंड लिख दिया, तो इसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको मिल जाएगा. तो अगर आप ये वाला एड्रेस मेंशन करेंगे तो आप सिक्स के ऊपर जो Z पड़ा हुआ है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा. उस वो एड्रेस अगर आप इसको देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्परसेंड नेम 5. अब मैंने उसको एड्रेस पास किया है कि मैं इसको परसेंट डी करूँ फिर, और उससे वो जेड डिस्प्ले नहीं करेगा, जेड के अगेंस्ट जो आस्की कोड है वो डिस्प्ले करेगा. जैसे अभी मैं देख रहा था तो एक्स का था 120, जो लेटर एक्स होता है ना उसका आस्की कोड है 120. तो अगर इधर x लिखा हुआ है ना स्मॉल x और मैंने ये वाला काम किया है तो स्मॉल x प्रिंट नहीं होगा, 120 डिस्प्ले हो जाएगा जो कि x का आस्की कोड है. मोस्टली आप कैरेक्टर्स जब आपने प्रिंट कराने होते हैं तो आप कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उसके आस्की कोड में इंटरेस्टेड नहीं होते. तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे, आप ऐसे लिख दें, आप ऐसे करेंगे कि ऐसे कर दें और ऐसे कर दें और ऐसे कर दें. जो एड्रेस था ना फर्स्ट एलिमेंट का नेम के फर्स्ट, सॉरी इस पे जीरो भी आएगा इधर, या ये कर दें या इसको बिल्कुल ऐसे हटा के कर दें. तो जो नेम का जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है उसमें 5 ऐड होके जो भी एड्रेस है वो पास होगा और उसको वो एज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग उठा के डिस्प्ले करेगा. ठीक है, ये जो लाइन है ना ये सिक्स्थ एलिमेंट के ऊपर जो कैरेक्टर पड़ा है उसको डिस्प्ले करवा रही. व्हाइल लूप में बेसिकली व्हाइल लूप ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा व्हाइल और वन लिख दिया. सो व्हाइल वन का मतलब क्या है कि
इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ये इन्फिनिट लूप होगा, ऑलवेज ट्रू, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप. तो योर क्वेश्चन कुड बी कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, हम ये क्यों करेंगे. तो उसका आंसर ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में खास तौर पे आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें आप कंटिन्यूअस सिनेरियो देखते हैं कि एक चीज कंटिन्यूअसली हो रही है हो रही है हो रही है, अगर उसके दरमियान में कोई चेंजेस आती हैं या कुछ भी होता है तो फिर आपने क्या करना. तो लेकिन यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं. तो मैं कहता हूं कि वाइल फॉर एग्जांपल, और वो है गेट कैरेक्टर, स्कैन एफ की तरह ही होती है लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर फेच करती है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैरेक्टर लेट्स से पी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं पी इक्वल टू गेट कैरेक्टर. अच्छा ये बेसिकली मतलब चले मैं कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ और उसके सामने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक सेमी कोलन लगाता हूँ इसमें, और इसी तरह एक और मैं काम कर रहा हूँ कि मैं बहुत ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर रहा हूँ. इन दोनों में क्या डिफरेंस है या ये दोनों क्या चीजें हैं? दिस इज अ फंक्शन कॉल और दिस इज अ फंक्शन बीइंग डिफाइंड. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कहां पे होगी? इस जगह पे होगी. फंक्शन की डेफिनेशन इस जगह पे होगी. कैसे पता चला कंपाइलर को? इस कर्ली ब्रैकेट से. तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और आगे सेमीकोलन है, इसका मतलब है कि फंक्शन बस कॉल हुआ है, और अगर कर्ली ब्रैकेट भी आ गई है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक हो गया. तो इन द सेम यू नो लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आपको क्या लगता है कि ये चीज फंक्शन कॉल हो रही है? डेफिनेटली फंक्शन कॉल हो रही है, और उसका नाम है गेट सी एच ए आर. तो जब वो फंक्शन कॉल होगी तो आपने उसको करना है कि आपने देखना है कि वो किस लाइब्रेरी या किस हेडर फॉल में एग्जिस्ट करता है. तो आप उसको इसमें कर लेंगे कि जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गेट कैरेक्टर इज यू नो डिफाइंड इन stdio.h. गेट कैरेक्टर जो है इट इज डिफाइंड इन stdio. ये आपको कहां से पता चला? फाउंड आउट फ्रॉम गूगल. गूगल सर्च से आपको पता चला कि गेट कैरेक्टर फंक्शन डिफाइंड कहां पे हुआ है? stdio.h. ये करता क्या है? इट रिटर्न्स एनी कैरेक्टर ASCII कोड प्रेस्ड बाय यूजर. यूजर ने जो भी की प्रेस की हो ना, उसका रिटर्न वैल्यू वो P में डाल देता है. ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि इससे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं कि प्रिंट एफ टू एग्जिट लूप प्रेस एक्स एनी अदर की टू कंटिन्यू. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं वाइल लूप में जाके अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं वाइल लूप की कंडीशन में लिख देता हूं कि इफ पी इज ओनली कंटिन्यू द लूप इफ पी इज नॉट इक्वल टू एक्स. अगर पी एक्स के इक्वल नहीं होगा तो ये लूप चलेगी. हर दफा वो चेक करेगा कैरेक्टर की वैल्यू, अगर वो एक्स सॉरी यहां पे एक्स के साथ आपने सिंगल कोड्स भी लिखने हैं, या आप ये लिखें या आप यहां पे उसका ASCII कोड लिखें. आप यहां पे 120 भी लिख सकते हैं, आप यहां पे एक्स भी लिख सकते हैं. तो ये था आपका, you either use the ASCII code of x which is 120 or x.